संजय सिंह के निलंबन के बाद पीयूष गोयल को लगातार घेरा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पीयूष गोयल का हाथ है। यहाँ पर बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर संसद तक तमाम विपक्ष की पार्टियों ने संजय सिंह का समर्थन करते हुए मोर्चा खोल दिया और ये कह दिया कि क्या मणिपुर पर आवाज उठाना गलत बात है। मणिपुर में बेटियों के साथ जो हिंसा हो रही है उस पर कोई बोलेगा तो क्या उसको अब बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको निलंबित कर दिया जाएगा? क्योंकि संजय सिंह की हालत ठीक वैसी ही है जैसी राहुल गांधी की है। जब संजय सिंह जो है मणिपुर की आवाज को उठाते हैं, सभापति जो है जगदीप धनखड़ के पास बात को रखते हैं और तो यहां पर देखा जाता है कि जगदीप धनखड़ उनको बर्खास्त कर देते हैं। पीयूष गोयल मौजूद होते हैं और पीयूष गोयल का जो है इसमें हाथ बताया जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर संजय सिंह लगातार जो है मणिपुर को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और भाजपा पार्टी के तमाम नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ कहते हैं संजय सिंह, आप खुद ही सुनिए। जैन साथियों, इस वक्त मैं संसद के परिसर में हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आईं, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले, अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। और जब ये बयान मैंने सुना एक रिटायर्ड सूबेदार का कि मैंने भारत माता की तो रक्षा की, मैंने देश की तो रक्षा की, मैंने कारगिल का तो युद्ध लड़ा, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, यानी ये जब पता चला कि उसमें से जो दो महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला जिनको, दो महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उनमें से एक महिला का पति वो कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुका है और आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार है। भारत माता इस घटना से शर्मिंदा है, 140 करोड़ लोग इस घटना से शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। वो नारा देते हैं बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है? ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं, तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आप दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहां पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है? तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया,
देश की रक्षा कर ली, अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाने की। आज आप सबकी जिम्मेदारी है मणिपुर की बेटियों की, वहां के बुजुर्गों की, वहां के माताओं बहनों की, वहां के बच्चों की आवाज उठाने की। आप सबकी जिम्मेदारी है जो वहां चर्च चलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने की। आइए हम सब मिलकर मणिपुर की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह ने तमाम सवालों को उठाते हुए ये बता दिया कि मणिपुर में आखिर क्या हो रहा है, क्या लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, क्या पीयूष गोयल जैसे नेता जो है विपक्ष पार्टी के नेताओं को रोकते हैं, क्योंकि जब जब विपक्ष ने आवाज़ उठाई है तब तब विपक्ष को रोका गया है, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, या फिर जमीनी स्तर का कोई भी मुद्दा। अब देखना ये पड़ेगा कि पीयूष गोयल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं और क्या तमाम जो नेता है विपक्ष पार्टी के वो कोर्ट पहुंच जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।